अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, मिस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक गूगल की एप्लीकेशन है, वो आपकी हेल्प कर सकती है। उस एप्लीकेशन का नाम है फाइंड माई डिवाइस। ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल की लोकेशन दिखा सकती है, आपके मोबाइल को लॉक कर सकती है और आपके चोरी हुए मोबाइल को फॉरवर्ड कर सकती है। और इस एप्लीकेशन से आप उस मोबाइल की डिस्प्ले के ऊपर मैसेज शो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल प्ले स्टोर से फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ओपन करने पर इस तरह का आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको इसमें एक जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है जो आपने अपने मोबाइल में यूज की हुई है। अगर आपने एक से ज्यादा जीमेल आईडी अपने फोन में यूज की हुई है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी खुल जाएंगी। जिससे भी आप इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको जीमेल आईडी के पासवर्ड डाल के आपको साइन अप करना है। इसमें आप लॉगिन हो जाएंगे। इसमें आपके मोबाइल की डिटेल और लोकेशन आ जाएगी और यहाँ पर अपने मोबाइल का नेम और बैटरी कितना परसेंट है वो भी शो करेगा और नेटवर्क स्टेटस भी आ जाएगा। इसमें नीचे तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्ले साउंड। आप अपने मोबाइल में एक साउंड प्ले कर सकते हैं। अगर आप अपना मोबाइल कहीं रख के भूल जाते हैं और वहाँ नेटवर्क नहीं हो और इससे आप साउंड प्ले करके आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सिक्योर डिवाइस। अगर आपका मोबाइल कहीं खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करके सिक्योर एंड डिवाइस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर कोई मैसेज शो कर सकते हैं और साथ ही उसको लॉक भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है अरेंज डिवाइस। इससे आप मोबाइल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर ये मेरे पास मोबाइल है, ये खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो किसी दूसरे फोन में मैं यही एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा। ये एक मेरे पास दूसरा फोन है, इसमें मैं यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा और इस पे मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा और उसी ईमेल आईडी से मैं लॉगिन करूंगा जिसको मैं इस मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट करूंगा। इसके बाद मैं अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करूंगा और इसी के साथ देखिए आप मेरे मोबाइल की लोकेशन और डिटेल आ गई है, वो कौन से नेटवर्क से कनेक्ट है और यहीं पर हम उसकी लोकेशन देख सकते हैं। और यहीं पर मैं प्ले साउंड पर क्लिक करूंगा। देखिए इस मोबाइल में साउंड प्ले हो गया है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूं। इसके बाद मैं सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करता हूं। इस मोबाइल की स्क्रीन पर मैं यहीं से कोई मैसेज और मोबाइल नंबर शो कर सकता हूं। जैसे कि मैं यहीं लिख देता हूं प्लीज रिटर्न माय मोबाइल। नीचे मैं एक मोबाइल नंबर डाल देता हूं। इसके बाद मैं सिक्योर डिवाइस पे क्लिक कर देता हूं। देखिए ये डिवाइस यहाँ पर सिक्योर हो चुकी है। देखिए ये इसमें मैसेज आ रहा है जो मैं यहाँ पर टाइप किया है प्लीज रिटर्न माय मोबाइल। साथ ही यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर भी दिया था। जिसने भी चोरी किया हुआ है वो डायरेक्ट इस पे क्लिक करके वो उस नंबर पे कॉल कर सकता है जो यहाँ पर मैं डायल किया है। इस एप्लीकेशन से मैं मोबाइल को लॉक किया है तो यहाँ से मैं मोबाइल को अनलॉक नहीं कर सकता। इस मोबाइल पर यही शो होता रहेगा प्लीज रिटर्न माय मोबाइल। यहाँ से मैं सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करके कोई और नंबर और कोई और मैसेज भी प्ले कर सकता हूँ। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है अरेंज डिवाइस। इस पे मैं क्लिक करके मोबाइल को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। इसमें जो भी डेटा है वो कम्प्लीटेड डिलीट हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर मैं रेस्ट डिवाइस पर क्लिक करूंगा। मोबाइल का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ये काफी हेल्पफुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहिए। अगर आपका मोबाइल कभी खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो ऐसे में ये एप्लीकेशन आपके बहुत काम आएगा। इससे आप अपने मोबाइल में साउंड प्ले कर सकते हैं, डिवाइस को स्टोर कर सकते हैं और फोन को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अरेंज डिवाइस से आप अपने मोबाइल को फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे आपका डाटा कोई मिसयूज ना। साथ ही आप अपने मोबाइल की लोकेशन भी देख सकते हैं। वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।